पहले सब आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने मैम को मिस किया? मैम ने तो आप लोगों को बहुत मिस किया। तो अब हम फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को याद है आपने फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ा था हिंदी में? यस, आपने क्या पढ़ा था? हिंदी में स्वर पढ़े थे। अब सेकंड टर्म में हम पढ़ेंगे व्यंजन। पहले हमने स्वर पढ़े और अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजन में सबसे पहला अक्षर क्या होता है आपको पता है? यस, सबसे पहला अक्षर क्या होता है? क। क से कबूतर। कबूतर तो आपने सबने देखा होगा ना। और क से कमल भी होता है जिसको हम लोटस बोलते हैं। और क से कलम, पेन है ना, इसको हम कलम भी बोलते हैं। तो क से कबूतर, क से कमल और क से कलम। तो चलो हम इसको लिखना सीखते हैं कि क कैसे लिखते हैं। तो आप लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? खड़ी रेखा, फिर वहां से हम इस तरह आधा गोला बनाएंगे। और जो हमारा यहाँ पहला यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से हम इधर को ऐसे करके लाएंगे और फिर आड़ी रेखा। तो ये हमारा क्या बन गया? क। चलो एक और मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। क, सबसे पहले हमको क्या करना है? खड़ी रेखा बनानी है, फिर इधर से हमको आधा गोला बनाना है, फिर यहाँ से हमको ऐसे नीचे की तरफ लाना है और फिर आड़ी रेखा। तो हमारा ये क्या हो गया? क से कबूतर। तो हमने सीखा क से कबूतर। क से कबूतर के बाद आता है ख से खरगोश, मीन्स रैबिट। और ख से क्या होता है जो सबके पास होते हैं? खिलौने। आप सब खेलते हो ना खिलौनों से, तो ख से खिलौने। तो चलो बच्चों अब हम ख लिखना सीखते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना मैं ख कैसे लिख रही हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इस तरह आधा गोला बनाना है और यहाँ तक हमको ऐसे बना लेना है। यहाँ से हमको ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है और फिर खड़ी रेखा बनानी है और इस खड़ी रेखा से हमको अंदर की तरफ छोटा सा आधा गोला बनाना है और फिर आड़ी रेखा। तो ये हमारा क्या बन गया? ख। ख से खरगोश। तो मैं आपको एक और लिख के दिखाती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है? आधा गोला बनाना है, फिर यहाँ से ही हमको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है और फिर उसी को ज्वाइन करते हुए हमको खड़ी रेखा बनानी है और अंदर की तरफ आधा गोला बनाना है और फिर आड़ी रेखा। तो ये हमारा क्या बन गया? ख। ख से खरगोश। तो देखा बच्चों आपने आज क्या सीखा? क से कबूतर, ख से खरगोश। आपने दो व्यंजन सीखे, क से कबूतर और ख से खरगोश। बच्चों आज आपको व्यंजन सीखने में बहुत मजा आया होगा। तो इससे रिलेटेड आपको होमवर्क आएगा जो आपको कंप्लीट करना है। टिल देन रोमा मैम सेज बाय टू यू।